आज सभी को मैं बकरीद का मुबारकबाद देता हूँ और इसके साथ आज एक अच्छा चीज के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। कल एक पुराना केस है मेरा। कल मेरे पास में एक रोगी आया था, कल एक रोगी मेरे पास में आया था इलाज कराने के लिए, एट्रॉफी ऑफ हार्ट वाल्व के लिए, जो वाल्व का हार्ट है उसका एट्रॉफी का केस था। उसका कुछ साल पहले ऑपरेशन हो चुका था और उसे प्रॉब्लम अभी रह रहा था पाल्पिटेशन सिस्टम के लिए। जब मैं उसका हिस्ट्री ले रहा था तो हिस्ट्री के दौरान जब उसके फैमिली हिस्ट्री पर मैं आया तो उसके माँ के विषय में मुझे जानकारी मिली और उसने बताया कि मेरी माँ को कैंसर हुआ था और वो टंग कैंसर, जीभ का कैंसर। फिर मैं पूछा कैसे, अभी कहाँ है, तो बोले कि नहीं अभी तो है। और तो मैंने पूछा कि अभी ठीक है, अभी वो बीमार, अभी कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो मैं पूछा क्या उससे कैंसर ठीक हो गया, तो बोले हाँ, वो बोला कि हाँ ठीक हो गया। उनका कैसे ठीक हुआ, उसने कहा कि आप ही तो ठीक किए थे मुझे कहा। और ये बात है, मैं जब ये बोला आप ही ठीक किए थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैं पूछा कि उनकी माँ का नाम जब मुझे मालूम हुआ, हम लोगों ने अपना फाइल खोल करके देखा तो 1 जुलाई 2004 में इस केस को हम लोगों ने देखा था। और ये 50 साल की महिला हैं और इनको करीब करीब जुलाई में, का मतलब हो गया कि अप्रैल के आसपास में इनके जीव में जो थोड़ा सा एप्सी रहा करता था, धीरे धीरे बढ़कर के वो घाव जैसा हो गया था। और जब उन्होंने डिटेक्ट कराया, उसका बायोप्सी टेस्ट कराया तो वो स्तन कैंसर के रूप आया, नजर आया। और वो दर्द देना था और काफी इनको हो गया था। तो ये सब बातें जब हुआ तो मैं फाइल को देख करके सोचा कि वो कैंसर, और मैं फाइल करके देखा तो 1 जुलाई से 2004 से लेकर के इनका इलाज जो है तो 20/4/2009 तक चला था। मैंने 4 से लेकर के 2004 से 2009 तक यह इलाज चला था और ये उसके बाद से आना बंद कर दी थी। तो मैं भी भूल गया था, यह फाइल बंद करके रखा हुआ था। कल वह लड़का आया तो उसके सामने में मैं फिर फाइल को खोज करके निकाला और यह केस मुझे सामने में आया। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस केस का मैं हिस्ट्री सुनाऊंगा और फिर दवा जिससे यह ठीक हुआ था वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग आपस में इसको देखेंगे कि कैसे ये केस आया है ना। तो जब हिस्ट्री लिया था तो प्रेजेंट हिस्ट्री में तो इनको वही है, 4 महीना पहले टंग कैंसर डिटेक्टेड था, प्रोग्रेसिव वीकनेस के साथ में, दर्द के साथ में, इसे बुखार रहा करता था और जो कि बुखार जो है तो रात में बढ़ जाया करता था। और कई वर्षों से इसके पहले से इसके पैरों में इसको एक्जिमा था, खुजली हुआ करता था, खास करके बरसात के मौसम में ये बढ़ जाता था। जब मैंने उसके पास हिस्ट्री में देखा तो कोई खास नहीं था, वह एक्जिमा का केस, स्किन डिजीज का केस बहुत ही पुराना था और उस पर इलाज होता रहा था। इसके पिताजी किसान थे, माँ भी घर की घरेलू महिला थी, दोनों को इनका डेथ हो चुका था। ये अपने आप में 4 भाई और 3 बहन थी। एक भाई का डेथ खांसी से हुआ था, इसलिए से पता चला कि खांसी था, डायग्नोसिस के विषय में लोग नहीं बता पाए, देहात की महिला थी, लेकिन मुझे उन्होंने जैसा बताया तो मुझे लगा कि शायद ये ट्यूबरक्लोसिस रहा होगा। इस महिला का शादी जो है तो 16 साल की उम्र में हो गया था और इसके हस्बैंड जो है तो अभी किसान हैं, वो भी अभी भी लोग गांव में ही रहते हैं। इनके 6 लड़के हुए और 1 लड़की हुई, सभी लड़के बच्चे ठीक हैं। एक लड़का जिसका जो इलाज कराने के लिए आया था वो सबसे छोटा लड़का है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम है और वो हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है और होने के बाद में वो जो है तो अभी भी उसको कष्ट बनाई हुआ खत्म नहीं हुआ है। ये कोई खास पढ़ी लिखी महिला नहीं है, है ना, अपना घरेलू महिला है, काम करती हैं, सीधी साधी औरत है,
घर का जैसे देहात का वातावरण रहता है उस तरह का है, गुस्सा भी नहीं के बराबर है, खाली है कि काम में व्यस्त रहती हैं और लोगों की बहुत ही शांत महिला थी, सिंपैथेटिक लेडी थी और रोती बहुत आसानी से थी और कॉन्सोलेशन इसको अच्छा लगता था। और ये जो बुखार जो अभी आ रहा था उसके साथ में चक्कर भी आता था और मुंह का स्वाद जो है कभी इसके साथ में तीखा हो गया था इस कैंसर के साथ में और इसके साथ में, बाकी इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनका मेनोपॉज जो है तो 14 साल से पहले हो चुका था, अभी 50 साल उम्र है तो हमको लगता है कि 35 साल जल्दी मेनोपॉज हो गया था। और वॉमिटिंग इनको हो जाता है गाड़ी में चलने पर और खाने में ये दूध पसंद करती हैं। इतना ही हिस्ट्री मैंने समरी में आपको बताया हूँ तो। और इनको नहाना पसंद था, खास करके स्प्रिंग वेदर में अच्छा रहती हैं और फास्टिंग इनको अच्छा रहता है, खाली पेट अपना काफी भी काम कर सकती है। इतना हिस्ट्री लेने के बाद में मैंने इस केस को रिपोर्टराइज करना शुरू किया और सबसे पहले ने मैंने इनके मानसिक लेवल को लिया। तो मानसिक लेवल पर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसको कॉन्सोलेशन से इसको एमोलरेट होता है, तो हमने एक रूब्रिक लिया कॉन्सोलेशन एमोलरेट। कॉन्सोलेशन एमोलरेट इसमें 33 दवा है, इसको हमने लिया। दूसरा रूब्रिक हमने लिया, ये बहुत शांत गंभीर अपना महिला है, मैंने इनको माइल्डनेस दिया, ठीक है ना। और तीसरा ये सिंपैथेटिक लेडी हैं, सबके प्रति काफी प्रेम भाव और मदद करना ये सारा चीज था, तो मैंने इसको सिंपैथेटिक लेडी ले लिया। और उसके बाद में अब जो इसका प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है कैंसर, तो अभी उससे भी पहले मैंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देखा कि इसको बुखार का मॉडलिटी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, तो मैंने बुखार के मॉडलिटी में लिया वर्टिगो, वर्टिगो हीट ड्यूरिंग, है ना, वर्टिगो वर्टिगो हीट ड्यूरिंग, वर्टिगो बुखार के समय में इसको दिया हुआ है रूब्रिक हीट ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये हीट ड्यूरिंग हमने यहाँ पर ले लिया। फिर इनके हाँ फीवर, रात में ज्यादा फीवर होता है तो मैं इसको फीवर भी ले लिया है यहाँ पर, फीवर नाइट, ठीक है, फीवर नाइट। और उसके बाद में स्किन का इरप्शन भी अभी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, काफी क्रॉनिक है, हमने स्किन इरप्शन एक्जिमेटस ले लिया, इरप्शन एक्जिमा हमने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में मैं इनके जेनरलिटीज में जो देखा वो एक इम्पोर्टेंट रोल मुझे लगा था, डिस्चार्जेज एमरोरेट, बात करने से या कोई चीज को निकल जाने से या कष्ट को आराम मिलता था, तो हम लोगों ने डिस्चार्जेज एमरोरेट ले लिया और फास्टिंग एमरोरेट ये जनरेटिव क्या है, ठीक है, डिस्चार्जेज एमोलरेट और फास्टिंग एमोलरेट, खाली पेट में इनको अच्छा रहता है, फास्टिंग एमोलरेट। ये रिपोर्टराइजेशन 2004 का है ना, ये अभी आपको प्रेजेंट मैं रिपोर्टराइज कर रहा हूँ, 2004 का भी रिपोर्टोरियल शीट मैं आपको अभी ये इसको खत्म करते हैं तो मैं आपको दिखला दूंगा। और इतने सारे रूब्रिक्स होने के बाद में मैं इनका जेनरेटिव में इनको मिल्क बहुत पसंद था, है ना, मीठा दूध बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने इसको भी ले लिया, मिल्क दिया। और अंत में मैं आपको माउथ कैंसर करके रूब्रिक्स है माउथ चैप्टर में, माउथ कैंसर टंग, ठीक है, इसमें 51 मेडिसिन है। तो कुल मिलाकर के हमने 10 रूब्रिक्स ले लिया और 10 रूब्रिक्स लेने के बाद में जो मैंने इसमें रिपोर्टराइज किया तो यह इस तरह से आता है, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इसमें
बहुत सारी दवाइयां हैं, फॉस्फोरस, फिर सल्फर, नेस्ट्रम म्यूरेटिकम, कैल्शियम, सही ग्राम फॉस्फोरस, सल्फर, नेस्ट्रम म्यूरेटिकम, कैल्केरिया, सिप्रिया, कर सल्फेट्रा, साइलिसिया, आर्सेनिक, इस तरह की दवाइयां हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों पर अभी डिस्कशन छोड़ता हूँ। मैं क्या दिया हूँ ये तो बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग बताइए मुझे क्या देना चाहिए था। कोई आदमी चर्चा करें इसमें मुझे क्या देना चाहिए था। हेलो सर, जी हाँ बोलिए। हाँ हेलो बोलिए। सर, आप एक पॉइंट बताए थे मेनोपॉज, उसका बोले थे कि बहुत जल्दी हो गया है। हाँ मेनोपॉज मेनोपॉज है कि आप मेनार्की है? नहीं मेनोपॉज का मतलब कि जैसे अभी जब दवाई थी उस समय इनका एज जो था, तो ये लोग देहात की है ना, तो जो बताई तो मुझे लगा कि बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन इनका एज है तो उस समय में 50 था, लेकिन 50 से भी थोड़ा सा हमको ज़्यादा ही लग रहा था। तो हमको लगता है कि करीब करीब 40 से लेकर के 45-42 के आसपास में मेनोपॉज हुआ होगा, जो कि 40 तब तो प्लस ठीक ही तब है। तो कोई ज़्यादा अर्ली नहीं होता, इसलिए मैंने इस पर कोई कॉन्सिडरेशन नहीं किया। और सर, उनका एग्रावेशन बहुत ज्यादा, आई थिंक रेनी वेदर में बढ़ जाता है, और नाइट एग्रावेशन भी हाँ है ना, नाइट नाइट एग्रेशन फीवर नाइट में बढ़ता है, और मैक्सिमम केसेस इनके नाइट में बढ़ता है। दूसरी चीज की डिस्चार्जेस माने बात करना, लोगों से कॉन्सुलेशन मिलना, कुछ जैसे घाव से पस निकल जाता है तो आराम मिलता है, इसलिए मैंने जनरल डिस्चार्जेज एमुलेट करके लिया। और खाली पेट में या ज़्यादा काम कर सकती थी, ज़्यादा एक्टिव अपने को बना फास्टिंग। सकती थी, तो फास्टिंग एमुलेट हमने ले लिया। और बता दें यह केवल एक ही दवा से उसके दो पोटेंसी में ही मैं गया था, 0/1 और 0/3। पूरे 2004 से लेकर के 2009 तक जब तक इलाज चला, तब तक यही दो ही दवा में ये लोग रही हैं, सॉरी दो ही पोटेंसी में रही हैं उस दवा के, और ये अभी आज भी ये जिंदा है, ये लेडी आज भी जिंदा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी उनका उस समय में 50 था 2004 में, तो अभी कम से कम तो 65 हो गया होगा उम्र, है ना। मैं उनको लड़का से बोला कि आप उनको महिला से मुझे बात कराइए, बोला कि सर उनको अभी मैं एक बार अपने अगले बार मैं आपको साथ में लेकर के आऊँगा, उनके अभी थोड़ा सा बुढ़ापा में थोड़ा सा थेउना में दर्द हो रहा है, तो मैं उसको अगर आप उसको भी थोड़ा सा मदद कर देते हो। बोले कि ठीक है लेके आइए। तो मैं इस ख्याल से कहा कि मुझे उस औरत से बात करनी है कि उसको अब कैसे, क्योंकि बाद का 2009 के बाद में कैसा रहा ये मुझे जानकारी नहीं रहा था। अचानक कल ही मुझे इस बात का एहसास हुआ यह कैंसर केस ठीक हो गया। मैं कैंसर केस जो पेशेंट ठीक रहने लगते हैं तो मैं उसको एकाएक नहीं मान लेता हूँ कि ठीक हो गया, क्योंकि कैंसर का केस जल्दी ठीक होता नहीं है। तो ठीक होने के बाद भी कम से कम 5 साल 10 साल तक फॉलो नहीं करता है, तब तक मैं उसको संतुष्ट नहीं होता हूँ कि वह क्योर हो गया। लेकिन वह महिला अभी 2020 अभी चल रहा है और इसमें अभी जिंदा है, और अपने आप में बिना किसी जीव का सारा खाना खा रही है, सब कुछ, एक बहुत बड़ा उपलब्धि इसको मानता हूँ। बताइए हम लोग दवा बताइए आप लोग क्या थर्मल क्या था उनका? थर्मल थी। थर्मल थर्मल रिएक्शन थर्मल चीली। थर्मल उनको कोई खास नहीं नजर आया, वो स्प्रिंग वेदर पसंद करती थी, और ठंडा भी उनको ऐसे ही है गर्म भी है, कोई खास उसका थर्मल के साथ में मुझे पता नहीं चला, है ना। उस समय में हमको भी जानकारी नहीं निकल पाया, और मैं उसको कंसिडर भी नहीं किया इस केस में। सल्फर तो सल्फर आप बता हाँ, दीजिए। लग
रहा है क्योंकि एक्जिमेटिस कंडीशन उनको पहले भी रहा है, स्किन प्रोमिनेंट है और प्लस वो जो उनका माइल्डनेस, ये सब माइंड सिम्टम्स भी बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, प्लस मिल्क डिजायर, ये भी सल्फर को बहुत पसंद है। और फॉस सल्फ दोनों ही ठीक है नेट, मतलब लेकिन सल्फ हाँ लगता है, नेट्रम तो सल्फ हो सकता था, होना चाहिए था। नेट्रम सल्फ भी हो सकता था क्योंकि स्प्रिंग सीजन बहुत ज्यादा पसंद है, प्लस वेट एग्रावेशन है, और नेट्रम सल्फ मेडिसिन भी बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है इस केस में। ये सल्फ भी ठीक है। नेत्रम सर तो अभी इसमें बहुत दूर तक नहीं है, नेत्रम दूर से कम है। नहीं मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, नेत्रम सल्फ और नेत्रम म्यू हाँ आ रहा है ना ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेत्रम हाँ, इसीलिए सर सल्फ सल्फ बहुत अच्छा सिलेक्शन रहेगा, शायद हो सकता है इसमें, ये सब सब सिम्टम्स भी सल्फ से बहुत अच्छा मिल रहा है। सर, तो नेत्रम सल्फ और नेत्रम म्यूरिटिकम पर आप लोग का ध्यान नहीं जाता है या कैल्केरियम हाँ पर? म्यू भी हो सकता है, लेकिन और म्यू का पल्सेटिला वैसे कोई एलिमेंट्स तो मिल नहीं रहा है ना सर। पर हाँ पल्स भी है, हो सकता है क्योंकि सिंपैथेटिक है, माइल्ड है, कंसोलेशन एमएल है, और नाइट एग्रावेशन सिफिलिटिक नेचर का भी है पल्सिटिला पूरा एमएल, वो इरप्शन उसका बहुत ज्यादा एक्रीड एक्सकोरिएटिंग ये सब होता है, तो सिफिलिटिक ट्रेंड का है और कैंसरस मियाज़म भी मे बी कवर करता है, तो पल्सिटिला भी अच्छा सिलेक्शन होता। बड़ा अच्छा है आप लोग का सोच, ये एनालिसिस का बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन अब मैं बताऊं मैं क्या किया था। मैं इसमें फास्फोरस दिया हूँ और फास्फोरस देने के पीछे में उस समय में मेरा जो ध्यान गया था वह था किसी केयरिंग लेडी सभी के लिए और सभी से इसका रिलेशन बहुत अच्छा था। तो एक और चूंकि ये काफी सोचने का प्रक्रिया कम था, सल्फर में सोचने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है, थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड ज्यादा होता है, तो सल्फर पर मेरा ध्यान नहीं गया था। और जो ये है तो हालांकि सल्फर को भी लोग अभी सोच रहे थे लेकिन सल्फर मेरा मैंने डिस्कार्ड किया और मैं इस पेशेंट को फॉस्फोरस दिया, खास करके सोशियबिलिटी लोगों के प्रति ज़्यादा ये, और जो इनकी टेंडेंसी थी गांव में रह रही थी, थोड़ा सा बाहर जान निकलना घूमना फिरना, एक थोड़ा सा झुकाव था। हालांकि गांव की महिला जल्दी अपने को एक्सप्रेस नहीं करती हैं लेकिन एक थोड़ा सा हल्का सा झुकाव था बाहर डिफ्यूज होने का। तो मैंने फॉस्फोरस 0/1 को ट्रांसमिट किया था इस केस में, है ना। और फॉस्फोरस ट्रांसमिट करने के बाद में ये जो है तो इनका रनिंग क्या जी ये जो आती है इसको हम लोग यही देखा था होते हैं एक साथ को देखा, ये तीन तो जुलाई को देखा था, 8-7 तक इनको कोई खास चेंजेस चिकन नहीं रोल आया था, आलू है ना। और 5-8 को इनके बुखार थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गए थे, 5 अगस्त को इनके बुखार और भी ज्यादा बढ़ गए थे। मैंने यहाँ भी कोई दवाई मैंने चेंज नहीं किया अभी तक। और इसके बाद में इनके मुंह का स्वाद जो है तो वो थोड़ा सा अब बदलना शुरू होने लगा, कोई भी खाने का टेस्ट नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि क्या नुकसान तो हो रहा है, मैं ऐसा सोचा, लेकिन ये मेरा सोचना। लेकिन फिर भी मैं दवा यहाँ पर नहीं बदला, मैं इस पर स्टेबल इसको स्टैटिक मान के चला। देखिए वेट करने से कितना फायदा होता है। फिर ये इसी तरह से हम लोग बीतते गए और हम लोग 2 अक्टूबर को हमने थोड़ा सा लगा कि अब कोई खास चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने अपने मेडिसिन में थोड़ा सा स्ट्रोक किया। हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रोक किया और उसके बाद से इसके अंदर में बदलाव शुरू हुआ। एक दवा देने के बाद में इंतजार करने के बाद मुझे लगता है कि अगर मैं पहले से थोड़ा सा
स्ट्रोक देता तो शायद और पहले से बदला हुआ था, लेकिन मैं देखा कि स्ट्रोक देने के बाद में ये बेटर फील करने लगी, जीभ का घाव हल्का सा लगा कि ठीक हो गया है, और बुखार आना भी करीब करीब बंद हो गया था, ठीक है, और एक्जिमा का कंडीशन बढ़ने लगा। ये बड़ा हमको अच्छा लगा इसमें। जब एक्जिमा का कंडीशन बढ़ने लगा तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैं और भी दवा को कोई बदलाव नहीं किया, वेट करता रहा। ये बीत गया इस तरह से 15 नवंबर तक, वहाँ पर भी आपको एक्जिमा का कंडीशन नहीं हुआ, बड़ा परेशान थी। मैं बोला कि आपका तो क्या अति आपका तो जीभ के घाव की आप चिंता करती नहीं है, खाली अपने घाव का चिंता कर रही है। तो कह रहे कि नहीं वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, उसमें तो अब बहुत आराम है, खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। घाव में कि घाव को सूखने दीजिए फिर देखा जाएगा। तो मैं उनको ऐसे दिलासा देता रहा, लेकिन अब इनकी चिंता बढ़ गई थी एक्जिमा। लेकिन मैं यहाँ पर अपने हिम्मत बनाए रखा और एक्जिमा के लिए मैं कोई दवाई नहीं किया, दवा को इसी तरह से कंटिन्यू करता रहा, कंटिन्यू करता रहा। इनको का कंडीशन से बेटर होते चले गए। अब चले आते हैं 2000 जनवरी में, चले आते हैं जनवरी 2005 में, है ना। इनका बहुत ही अच्छा चल रहा था एक्जिमा, लेकिन बढ़ता ही जा रहा था। अभी तक क्या बचपन का है, बहुत पुराना स्किन डिजीज था। हम लोग अक्सर मान के बैठते हैं कि सल्फर ही जो है तो स्किन को अति करता है, लेकिन देखिए ये फॉस्फोरस कितना बढ़िया काम किया है और ये अति होने लगा। और अभी करीब करीब होने के बाद में इनके मुंह पर थोड़ा सा एप्थी जैसा आने लगा, जीभ पर निनावा जैसा आने लगा, और कभी कभी ब्रश करते समय में उसे ब्लड दिया जाए। मैं थोड़ा सा सतर्क हुआ और मैं एक खाली स्ट्रोक किया हूँ यहाँ पर दवा को, और उसके बाद से ये ठीक रहने लगी। अब इस समय तक मैं 0/1 में ही हूँ, और ये अब आता है ऐसे करते करते 2005 के अक्टूबर में, 19 अक्टूबर को मैं पोटेंसी को बढ़ा दिया, क्योंकि गम्स का स्वेलिंग थोड़ा सा बढ़ रहा था। मैं पोटेंसी को बढ़ा दिया, और पोटेंसी को बढ़ाने के साथ में चमत्कार का काम शुरू हो गया, है ना। इनको जो घाव जो है तो बहुत ही फास्टली खत्म होने लगा, वापस कंडीशंस करीब करीब बेटर रहने लगा, और ये सभी कुछ नॉर्मल होने लगा। अब धीरे धीरे स्किन स्किन का प्रॉब्लम जब सूखने लगता है, कम होने लगता है, तो मैं थोड़ा सा सतर्क हो जाता हूँ क्या यह सप्रेस हो रहा है या नहीं, है ना। क्योंकि अभी भी स्किन के प्रॉब्लम को सप्रेस नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सप्रेस होता है तो फिर से वह रिलैप्स होने की टेंडेंसी होती है। लेकिन मैं इंतजार करता रहा, उसके जीव के कंडीशन ठीक होते चले गए, और पेशेंट भी अब सेटिस्फाइड थी कि चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये घाव ये सब भी धीरे धीरे छोटा होकर के कम होता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा जैसा जैसे एक्जिमा के बाद में जो है तो एक स्टेबिश टाइप का थोड़ा सा इरप्शन आया था, बहुत कुछ आने लगा था, तो उससे भी मैं बड़ा अच्छा था कि चलो एक्जिमा तो डीपर लेवल का है, स्केपिंग स्केबिंग है, अब ये भी आपका क्यूरेटिव स्टेज में जा रहा है ना। एक्जिमा तो ज्यादा क्रॉनिसिटी है, स्केबिंग जो है तो सुपरफिशियल है, तो फर्स्ट का डिस्चार्जेज है, तो चलो इससे एक्जिमा भी अब निकलता चला जा रहा है। तो ये जब स्केबिंग टाइप का सिम्टम्स आने लगा, तो मैं यहाँ पर आप संतुष्ट हो गया, और अब मैं छोड़ दिया कि चलो अब इसमें कोई दवाई नहीं करनी है, और इनको ऐसे ही मैं प्लेसिबो से बहलाता रहा इनको, और इस तरह से ये चलती रही, ठीक रहा, और ठीक बनने के बाद में फिर आना बंद कर दी। ये 2009 के बाद से आना बंद कर दी दवा, उनको लगा कि बिना मतलब का आप कहे जाए डॉक्टर साहब के पास में, आना बंद कर दी। और मैं भी उसके बाद मैं पूछा नहीं, बात नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि वो ठीक हो गई होंगे, या शायद पिछले रिलैप्स किया होगा तो वो चली गई होंगी। तो उसके बाद में, और ये कल ही मुझे पता चला कि ये अभी भी ठीक है, इनका जीव का कंडीशन में कोई कोई बदलाव नहीं आया है, एकदम ठीक ठाक है, बूढ़ी हो चुकी हैं और ठीक रह रही हैं। तो इस तरह से एक फॉस्फोरस 0/1 से लेकर के 0/3 पर आने से, एक चीज केस देखते समय में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना आसानी से आप दवा बदलती हैं,
और जो लोग आसान थोड़ी छोटी बातों पर दवा बदलने की आदत होती है वह केस बिगड़ जाता है। और मैं ऐसा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैं देखा कि जब मैं कुछ साधारण सा बात पर केस को दवा बदल देता हूँ, पेशेंट दो तीन बात होता है, पेशेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा तंग करता है, सुबह शाम डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग हतोत्साहित होकर के या घबरा करके या उसको खुश करने के लिए दवा बदल देते हैं। ये हम लोगों को सीखना चाहिए कि दवा कैसे नहीं, कैसे दवा रोगी के बात में प्रभावित नहीं होना चाहिए। बात सुनिए, बात सुन करके समझने का कोशिश कीजिए, एनालिसिस करने का कोशिश कीजिए और तब जा करके कोई एक्शन लीजिए। एक्शन तुरंत ले लीजिएगा तो फिर आपका हाथ से तो गोली निकल गया है ना, गोली जब निकल गया तो फिर तो आप दोबारा कुछ क्षति नहीं कर सकेंगे। अगर देर से भी करेंगे तो कोई फायदा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फॉस्फोरस 0/, मैं सोचा कि 0/3 अगर और पहले दे देते तो पहले से एक्शन शुरू हो जाता, क्योंकि 1 में से उसको 3 पर जाना चाहिए था। तो मैं लेकिन देर हुआ तो अंधेर से नहीं हुआ, थोड़ा सा 2-3 महीने का खाली फर्क पड़ा है ना वेट करने से, इसलिए ज्यादा नुकसान इस केस में हम लोगों को नहीं हुआ। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा ये है। और इसी तरह से मैं एक केस के विषय में बता रहा हूँ, क्या हिस्ट्री तो मेरे पास में अभी नहीं है। एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस था और बच्चा था, मछली बेचती है यहाँ बोरिंग रोड में, उसका लड़का था, लड़का का उम्र होगा करीब करीब 4 या 5 साल का होगा, उसको लेकर के पूरा देश फूला हुआ था, उसको लेकर के आई, बोला कि डॉक्टर साहब लोग बोलता है कि किडनी खत्म हो गया है। गरीब थी अपना, लोगों ने उसका हिस्ट्री लेकर के मुझे दवा आया, फॉस्फोरस वहाँ भी आया था, फॉस्फोरस 0/1 हमने जब उसको ट्रांसमिट किया तो उसके सारा देह पचक करके ठीक हो गया और वो बड़ा खुश हो गई है ना, खुश हो गई। और बहुत बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, बच्चे लोगों में सेंसिटिविटी जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ एक्शन बड़ा फास्ट होता है, और जिस केस में सिमिलिमम और सेंसिटिविटी दोनों मिलता है तो बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत खुश हो गया। मैं भी ठीक था, फिर आई दोबारा तो कह के अक्सर देखिए ना फिर से होने लगा है, तो मैं वहाँ पर फॉस्फोरस 0/3 कर दिया। 3 देने के बाद में फिर वह सबसाइड करके फिर नॉर्मल रहने लगा। उसके बाद में कुछ समय के बाद में फिर आई तो बोली कि मैं फिर थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा सा उसके और खत्म नहीं हो रहा, और नहीं खत्म हो रहा, तो मैं थोड़ा सा उसके प्रभाव में आकर के मैं फॉस्फोरस 0/5 कर दिया। फॉस्फोरस 0/5 देते ही दूसरे ही दिन बहुत घबराई हुई औरत आई कि डॉक्टर साहब देखिए ना इसका चेहरा तो पूरा फूल गया, सब कुछ ये हो गया। मैं भी घबरा गया कि क्या हो गया, तो मैं उसमें देखने का अध्ययन करना, और जब रिपोर्टराइज करने के लिए मैं फिर से दोबारा मैं सोचा कहीं फॉस्फोरस का एक्शन तो नहीं हो रहा है, तो मैं पूरा तो फिर से इसको पूरा केस बड़ी देरी तक उसके साथ में बैठा हूँ, बच्चे के साथ में और उसके साथ में, तो फॉस्फोरस 0/5, फॉस्फोरस के अलावा मुझे कोई दूसरी दवा नज़र नहीं आ रही। तब तो मैं सोचने लगा कि कहाँ से मुझ मुझसे गलती हुई है, कहाँ इसका क्यों इतना रिलैप्स क्यों किया है। तो खास करके जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं जहाँ की वाइटल ऑर्गेन इन्वॉल्व होता है वहां पर अगर इतना एग्रेवेशन ज्यादा होता है तो उसको अच्छा एग्रेवेशन नहीं माना जाता। तो मैं सोचा कि क्यों ऐसा एग्रेवेशन हुआ, तब मुझे लगा कि ये औरत जो है तो 0/1 में बड़ा अच्छा था और 3 में भी अच्छा था, हो सकता है कि हाई पोटेंसी का 5 का रिएक्शन होगा। तो मैंने वहां से बैक होकर के मैं उसको फॉस्फोरस 0/1 में दे दिया, और फॉस्फोरस 0/1 में देने का साथ ही मैंने ओवर मैंने 12 घंटे के अंदर में उसके सारे स्वेलिंग्स जो है तो घट गए और वह ये हो गया। और उसके बाद में फिर मैं दवा होने के बाद में मैं दवा बंद कर दिया, क्योंकि अब फॉस्फोरस का काम हो चुका था, फॉस्फोरस का हाइयर डोज से उसका डिजीज मेडिसिनल एग्रेवेशन शुरू हो गया था, मेडिसिन का प्रूविंग शुरू हो गया था, मेडिसिन अपना प्रूविंग का काम शुरू कर दिया था, और यह मेरी जल्दीबाजी के कारण हुआ।
है ना, मेरी जल्दीबाजी के कारण हुआ, लेकिन मुझे तो ये सीखने को मिला और पेशेंट को भी मैंने संभाल लिया फिर से वापस लेकर के। और यह घटना घटे हुए बहुत दिन हो गया, आज भी वो औरत महिला मछली बेचती है बाजार में, कभी हम लोग जाते हैं तो वो बड़ा अति से आदर से, उस लड़का को भी मैं देखता हूँ, लड़का अब तो काफी बड़ा हो गया है, वो भी मछली बेचने में उसका साथ देता है, बहुत बड़ा हो गया, जवान हो गया है और साथ देता है, उसको तो भी मैं देखता हूँ तो मुझे संतोष होता है कि मैं सीखा भी और ठीक भी हो गया, दोनों बात हुआ। मुझे ये भी सीखने को मिला कि जल्दी घबरा करके दवाई नहीं देना चाहिए, आगे पोटेंसी चेंज नहीं करना चाहिए, या दवा इंतजार करना सीखना चाहिए। और डॉक्टरी पेशा का सबसे बड़ा बात होता है कि जो डॉक्टर जितना इंतजार करता है, जितना सोचता है, जितना सुनने की कोशिश करता है, उतना उसको उतना उसमें लाभ पहुंचा सकता है। कभी अभी के समय में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बुखार का लेकर के कोरोना का जो अभी प्रॉब्लम है, इतने लोग घबराए हुए हैं कि डॉक्टर को भी घबराना पड़ जाता है। और मैं देखा कि जिस केस में मैं घबराया हूं मैं उसको नुकसान किया, और जिस केस में मैं दवा नहीं बदलता हूं फिर मुझे बहुत ही लाभ मिल रहा है। तो एक चीज है, दवा देने के पहले, दवा को सिलेक्ट करने के पहले थोड़ा देर समय ले लीजिए, है ना। मैं इसलिए मैं अपनी आदत बना लिया हूँ कि समय लेना चाहिए केस टेकिंग में, रिपोर्टराइज करने में, दवा सिलेक्शन में। अगर एक बार सिलेक्शन कर लिए, चाहे वह गलत हो या सही हो, डॉक्टर केंट का लैंग्वेज बहुत अच्छा है, लेटर राइटिंग में लिखा कि अगर एक बार आप दवा दे देते हैं तो आपके हाथ से तो सब कुछ निकल गया, आपके हाथ में तो अब रहा नहीं, जब बंदूक का गोली निकल चुका है तो जाके कहीं ना कहीं तो मारेगा, अगर गलत हुआ तो। उसके कहा कि डॉक्टर केंट ने कहा कि आप उसके बाद में, मारने के बाद भी आप इंतजार करो कि कैसा है, क्योंकि अब फिर से मारोगे तो फिर दोबारा गोली से दोबारा जगह दूसरे जगह सुराख हो जाएगा, तो वह और भी नुकसान करते हैं। इसलिए स्टॉप, अपना हाथ को बंद कर लो और बंद करके इंतजार करो और थोड़ा सा वेट करो, अध्ययन करो, उसके बाद में जब दवा सेलेक्ट करोगे तो वह ज्यादा सही होगा। तो ही हम लोग को इस केस से भी सीखने को मिला है और हम लोग को ये अच्छा इसका अध्ययन हुआ है। ठीक है, और कोई सवाल करेंगे इस पर? मैं आपको दिखलाना चाह रहा था उस समय का केस हिस्ट्री, मैं आपको दिखला रहा हूँ, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग बंद करता हूँ और शेयरिंग बंद करके मैं आपको उस समय का केस हिस्ट्री आपको दिखला रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है मेरा, ये रिपोर्टोरियल सीट, उस समय में रडार ओपस नहीं था। हेलो, आप लोग दिखाई पड़ रहा है, नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा मेरा चेहरा दिखाई पड़ रहा है? क्यों नहीं तो नहीं दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, वीडियो बंद था। चलिए, अब दिखाई पड़ रहा है ना? अब दिखाई पड़ रहा है? ये यस उस समय का है, ये है ना, ये जो देख रहे हैं उस समय का है, ये उस समय का पूरा फाइल है। मैं ये देखिए पेपर कितना ये हो गया है, कितना पुराने समय का ये हिस्ट्री मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा फाइल है उसके पेशेंट का, और तो पूरा इसमें कैसे कैसे मैं इलाज करता हूँ, तो हर एक पेशेंट का फाइल मैं बना करके रखता हूँ और इसको स्टोर कर देता हूँ। कल काफी खोजने के बाद मिला है कि एक एक पेशेंट में से निकाल करके ढूंढने के बाद में मैं इसको निकाल पाया, और मैं इसको सोचा कि आप लोग के लिए मैं शेयर करूँ आप लोग के साथ। ठीक है, एनी क्वेश्चन फिर? का मेडिसिन क्या चीज? सर, उस लड़के का मेडिसिन जब आप बंद कर दिए, फिर वो कैसे ठीक हुआ? मतलब तो स्टॉप। देखिए, किसी दवा देने के बाद में जब उसका पूरा, नहीं 0/5 से 0/1 दिए तो 0/1 से
उसके सारे एंटीडोट हो गए, फाइव का रिएक्शन है ना, फाइव का रिएक्शन एंटीडोट हो गया, और जो फिर अपने नॉर्मल जितना लाभ हो चुका था सारा कुछ उसका यूरिन और देखा स्वेलिंग ये सब नॉर्मल हो चुका था, तो वहां पर आकर के वो टिक गया। अब वहां पर हमको कोई अगर दवा देंगे तो वो नुकसान करेगा, इसलिए अब वो बिना दवा के वह सेल्फ हीलिंग में चला जाता है ना। दवा का काम क्या होता है, दवा का काम होता है आपको के, आ, आ, एक एक वहां पर वाइटल फोर्स को मदद कर दो, वाइटल फोर्स जब अपना काम करने लगे तो फिर दवा का कोई रोल नहीं रह जाता है, इसलिए दवा नहीं रिपीट करना चाहिए ठीक ये हो जाने के बाद में। इसलिए कहा गया कि दवा को रिपीट करने से फिर से आप ड्रग डिजीज पैदा के लिए वो प्रूविंग करेगा ना। आप दवा दवा का प्रूविंग हम लोग कैसे करते हैं, जब हेल्दी आदमी है उस पर अगर दवा देंगे तो सिम्टम्स प्रूव होगा। अब वो आदमी वो बच्चा नॉर्मल उसका डिजीज खत्म हो गया तो उसको हम लोग हेल्दी मानेंगे, और उस समय में अगर हम फिर दवा देंगे तो वो ड्रग प्रूविंग होगा है ना, ड्रग प्रूविंग से सिम्टम्स उसके आएंगे तो अननेसेसरी उसको प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब आपको एक केस और मैं बताता हूँ एक्यूट केस का, ये केस है ब्रोनिया का। फीवर था, हम लोग के बगल के मोहल्ले से आई थी लेडी अपने बच्चे को लेकर के, और बुखार बेलाडोन ऐसी ये ब्राइनिया का केस था। मैंने ब्राइनिया उसको ट्रांसमिट कर दिया, ब्राइनिया देने के बाद में वो ठीक हो गया कि नहीं ठीक हुआ पता नहीं चला। 6 महीना के बाद में वो आई दोबारा, और कि डॉक्टर साहब आप जो दवा दिए थे तो बड़ा अच्छा दवाई था, यहाँ से गए उसके बाद से ठीक हो गया। मैं पूछा कि आप उनको मुझे क्यों नहीं बताई, तो बोला कि नहीं तो ठीक हो गया तो फिर क्या बताना था, खाली बुखार था तो फिर हम अब क्यों आई हो, तो बोले कि अभी देखे ना डॉक्टर उसको फिर बुखार हो गया। तो मैं क्योंकि मैं ऐसा फाइल बना करके उसका भी रखा हुआ था, तो मैं तुरंत उसका फाइल को निकाला तो देखा कि उसका बाल जो है तो ब्राइनिया 0/1 में बाल उसका लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है ना। तो जब लगा हुआ है तो मुझे लगा कि अरे इतना दिन तक इसका ये है और इसको बुखार फिर आ गया है तो ये रिलैप्स हुआ है ना। अब यहाँ पर ड्रग प्रूविंग शुरू हो गया था, और वहाँ पर मुझे मैंने दवा कुछ नहीं दिया उसको, खाली उसका बाल को वहाँ से दवा से निकाल दिया, और उसके बाद मैं कहा कि देखो तुम बताती नहीं हो इसलिए तुम्हारा रिलैप्स किया है, अगर बताती तो ये ऐसा नहीं होता, तो तुम फिर से हमको एक दिन के बाद में फिर आकर के बता देना कैसा है। और जानते हैं वो जैसे ही हमने उसको निकाला उसके उसी दिन शाम से उसको बुखार का आना बंद हो गया, दूसरे दिन वो बुखार ठीक हो गया, और आज इस बार वो आई बताने के लिए कि हाँ डॉक्टर मेरा बुखार इसका बच्चे का बुखार अब ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्रगिंग हो रहा है ना। आप अगर एक डोज के बाद में ठीक हो गया तो दोबारा डोज अगर फिर दीजिएगा, दोबारा डोज फिर दीजिएगा, इसलिए डोज जब दवा का एक्शन शुरू हो जाता है, या आपको ऑब्जर्वेशन में जो दिया हुआ है ना, जब दवा का एक्शन शुरू हो जाता है तो दवा देना बंद कर दीजिए, दवा नहीं देनी चाहिए, और अगर आप देते चले जाएंगे तो ड्रगिंग होगा और ड्रग डिजीज वहां पर पैदा होता है। तो यही केस ये ब्राइनिया के केस में हुआ, ड्रगिंग हुआ और वो एग्रेवेट करने लगा और फिर से उसको बुखार का कंडीशन चला आया। ये सब चीज को हम लोगों को सीखना चाहिए कि ड्रगिंग से हम लोग कैसे बचे है ना। ड्रगिंग से बचने से और पोटेंशियल जहां दवा का एक्शन शुरू हुआ अब वहां पर से आप आगे दवा मत दीजिए, वहां पर रोक लीजिए और वह फिर आपको आगे काम करता रहेगा। ठीक है, अगर आप हेयर में रख हेयर ट्रांसप्लांट मतलब ट्रांसमिट होता है ना, हाँ मेरे आपका भाई हेयर ट्रांसमिट होता है ना, तो दैट मीन्स रोज मतलब हर एक मोमेंट में वो मेडिसिन उस पेशेंट तक डायनेमिकली जा रहा है, मतलब हर एक मोमेंट में वो मेडिसिन कंटिन्यूटी बनी रहती है। वो रखा हुआ रहता है ना हेयर उसी में। हाँ इसीलिए ड्रगिंग हो गया, नहीं तो ऐसे अगर ओरली दिया जाता तो वो ड्रगिंग नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हर एक मोमेंट में वो मेडिसिन का एक्शन जा रहा है ना, और आपने चेंज किया, थोड़ा हायर पोटेंसी दिया और फिर हायर पोटेंसी बढ़ा दिया, तो वहीं पे मेडिसिन तो रह गया और उसका बाल भी रह गया और डायनेमिकली वो एक्शन चल रहा है, इसीलिए ड्रग
मतलब मेडिसिन का सिम्टम्स आ गया, और ऐसे आपने बहुत अच्छा समझा है ऑर्डरली ना, आपने बहुत अच्छा समझा है, और मुझे लगता है कि अच्छा आपने इसको अति तो हम लोग का यहाँ पर हो जाता है, और इस तरह से आप आगे